हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल्ली टैरो। और ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जो किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्मे हैं। तो समझिए, जनवरी से लेके दिसंबर तक आप किसी भी महीने में अगर इस तारीख को आपका बर्थ हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, अगर आप 3 मार्च को जन्मे हैं, आप 12 अप्रैल को जन्मे हैं, आप 21 फरवरी को जन्मे हैं या आप 30 मई को जन्मे हैं, तो उनका जो मूलांक है, जो नंबर है, जो न्यूमरोलॉजी नंबर है, वो आता है 3। लाइफ पाथ नंबर नहीं है ये डेट नंबर है। मैं लाइफ पाथ के लिए भी कभी जब समय मिलेगा तो ज़रूर रीडिंग करूँगी, और उसके लिए भी कि अगर आप एक महीने में जन्मे हैं, जनवरी में, फरवरी में, तो उस महीने के लोग कैसे होते हैं, उनके स्ट्रेंथ क्या होती हैं, उनकी वीकनेसेस क्या होती हैं, उनके साथ पर्सनैलिटीज कैसी रहती हैं, उनके करियर्स क्या हो सकते हैं, लाइफ में किन चीज़ों को उनको फोकस करना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं उन वीडियोस में ज़रूर कवर करूँगी। और ईयर 2022 की ये जो रीडिंग है, ये मैंने दोनों में करा है, इंग्लिश में भी करा है और हिंदी में भी करा है, जिस भी लैंग्वेजेस में आप कंफर्टेबल हों। ईयर 2022 की रीडिंग आपको दोनों ही लैंग्वेजेस में मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और इससे पहले भी मैंने हिंदी के कुछ वीडियोस करे हैं जो कि धन प्राप्ति के लिए हैं, या आपके जो जिन पे शनि का की विशेष कृपा की ज़रूरत होती है और लॉन्ग टर्म में आपको लग रहा है आपके काम नहीं बन रहे हैं, उस पर भी हिंदी में वीडियो मैंने करा है, जिसके लिंक मैं इस हर वीडियो के एंड में लगा रही हूँ। आप चाहते हैं तो वो वीडियोज़ भी बिल्कुल देख सकते हैं। तो ये जो रीडिंग है नंबर 3, 12, 21 और 30 के लिए, मैंने इंग्लिश वीडियो जब करी थी तो कार्ड्स पहले ही मेडिटेट करे थे, और अब हम इसके लिए हिंदी वीडियोस करेंगे। अब क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसमें से आपको अपने हिसाब से जो ठीक लगे आपने वही लेना है, क्योंकि ये इन लोगों के लिए जो इन तारीख को, इन डेट्स को बॉर्न हुए हैं, ये जनरल रीडिंग है उनके लिए। ओवरऑल एक ग्रुप को क्या एनर्जीज आ रही हैं, ओवरऑल ग्रुप के लिए क्या मैसेजेस हैं, ये ओवरऑल ग्रुप रीडिंग है। लेकिन अगर आपको अपने लिए पर्सनल सेशन लेना है, टाइम लेना है, तो मेरा ईमेल आईडी मेंशन है, प्लीज़ नोट करें कि कोई भी पर्सनल प्राइवेट सेशन पेड है, तो मुझे उसी हिसाब से आप कनेक्ट करें प्लीज़। चलिए अब हम ये देख लेते हैं कि इस साल आपका ईयर 2022 इन लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले तो जब हमने एनर्जीज देखी थी इस कार्ड के लिए, इस साल आपको अपने रिलेशनशिप्स, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, आपको अपने रिलेशनशिप्स से खास हेल्प मिलेगी। पूरी इस साल में आपको जहाँ जहाँ तकलीफ आएगी, जहाँ जहाँ आपको परेशानी आएगी, जहाँ जहाँ आपको ऑब्स्टेकल, डिलेज होंगे, चैलेंजेस होंगे, आप ये पाएंगे कि कहीं ना कहीं से आपको लोगों द्वारा मदद मिलेगी। अब या वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या वो आपके फैमिली सर्कल हो सकता है, अगर आपको जॉब फ्रंट पे दिक्कत आ रही है तो वहाँ के लोग हेल्प कर सकते हैं, आपके बॉसेस हेल्प कर सकते हैं। और बहुत हद तक इस साल आप ये देखेंगे कि आपको कुछ स्ट्रेंजर लोग भी, जिनसे आप कभी नहीं मिले, आप देखेंगे अचानक वो लोग आते हैं, आप मिलते हैं और उनसे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो ये ईयर जो है आपका पूरा एक बैलेंस्ड ईयर जाएगा, और इस साल आप देखेंगे कि आपका फाइनेंस से ज़्यादा तवज्जो अपने आप को मेंटली, इमोशनली, सोशली संभालने में जाएगा, जिसमें आपको हर जगह से ओवरऑल हेल्प मिलती रहेगी, और आपके जितने भी कनेक्शंस हैं पर्सनल या प्रोफेशनल, वो काफ़ी केयरिंग रहेंगे, आपको सपोर्ट मिलेगा, लव मिलेगा, अफेक्शन मिलेगा। और इस साल जैसा कि मैंने आपको कहा, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, पैसा एक तरफ है, लेकिन आप ये ज़रूर चाहेंगे कि हमारी और हमारे लव वंस की तबीयत ठीक रहे, हमारी तबीयत ठीक रहे, इमोशनली हम ठीक रहें, मेंटली हम ठीक रहें, तो फाइनेंस से ज़्यादा इस साल आपका जो तवज्जो होगा वो अपने पर्सनल हेल्थ पर, अपने मेंटल हेल्थ पर, इमोशनल हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा है। और जैसा मैंने आपको कहा, ये आपके एंजल कार्ड्स हैं, और इन एंजल कार्ड्स में भी यही है कि आपको हर तरफ से इस साल हेल्प ज़रूर मिलेगी, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन आपको फॉरगिवनेस करते जाना है। कहीं आपको लग रहा है कोई रिलेशनशिप हर्ट हुआ, आपको लगा कि यहाँ जॉब पे मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, यहाँ बिजनेस मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मेरा लव रिलेशनशिप नहीं चला, मेरे मैरिज में कोई प्रॉब्लम आई, आपको उन सारी चीज़ों को लेट गो करना है, क्योंकि इस साल
आपका जो मेन फोकस है जैसा कि मैंने बताया वो फाइनेंस से ज़्यादा आपकी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहा है। इस साल आपने पूरा ध्यान इस चीज़ पर देना ही है। और कुछ ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं जिस पर आपने थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है, अपने आप को थोड़ा चेंज करना पड़ सकता है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ अगर हम भले के लिए कर रहे हैं, बहुत बार हम सोचते हैं कि अगर हम एडजस्टमेंट्स कर लें तो उससे रिलेशनशिप ठीक रहता है, लेकिन कई बार अगर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट्स या थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने से अगर रिलेशनशिप में लव, अफेक्शन और केयर मेंटेन रह सकती है, चाहे वो पर्सनल हो, घर में हो या बाहर हो, तो हमेशा थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। तो इस साल आपको हर सिचुएशन में आप देखेंगे कि थोड़ा बहुत एडजस्ट, थोड़ा बहुत अपने आप को मोल्ड या कॉम्प्रोमाइज़ आपको ज़रूर करना होगा। और इस साल जो स्टोन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है एपेटाइट। इसका हिंदी वर्जन आप ज़रूर गूगल पर डाल सकते हैं, आप इस कार्ड को नोट कर लीजिए, इन शब्द को नोट कर लीजिए। जब आप गूगल पे इसका रूपांतर करेंगे तो आपको इसका हिंदी का नाम ज़रूर मिलेगा। आप वो क्रिस्टल, वो स्टोन अपने घर में रख सकते हैं, ब्रेसलेट के फॉर्म में कर सकते हैं। और इसका मैसेज है प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स और जज योरसेल्फ, इंस्टेड फोकस अपॉन How far you have come and all that you have learned। देखिए इस कार्ड का भी वही मतलब है जो आपके बाकी के सारे कार्ड्स बता रहे हैं कि इस साल आपका जो तवज्जो है वो परफेक्शन की तरफ नहीं कि ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। आपकी मूवमेंट हो रही है, आपको बेटर लग रहा है, दूसरे से अपने आप को कंपेयर ना करें। ये कार्ड का एक क्लियर मैसेज है आपको कि इस साल दूसरे से अपने आप को कंपेयर ना करें, अपने आप में ही बैलेंस करने की कोशिश करें और ये देखें कि आप इम्प्रूवमेंट में कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये साल आपके लिए उस हिसाब से बहुत अच्छा है। और इस साल आपका जो शुरुआती कुछ मंथ होंगे और आखिरी के कुछ मंथ होंगे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि आपके कार्ड में अभी तक की जितनी भी हमने नंबर रीडिंग करी है उस कार्ड में ये पहली ऐसी रीडिंग है जिसमें गॉडेस सरस्वती और जिसमें गॉडेस लक्ष्मी दोनों ही आए हैं। तो फाइनेंशियली ये जो ईयर है आपका बहुत ही अच्छा और स्टेबल रहेगा, लेकिन आपका खुद का तवज्जो अपनी पर्सनल हेल्थ पर और इमोशनल हेल्थ पर रहेगा। तो गॉडेस सरस्वती हमें ये बताती है कि आपने इस साल जो भी काम करना है उसमें कैसे आप नया कुछ इनोवेट कर सकते हैं, नया क्रिएट कर सकते हैं, अपनापन डाल सकते हैं किसी भी काम में, उस तरफ आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और गॉडेस लक्ष्मी का ये मैसेज है, आप इसकी फ़ोटो ले लीजिए, क्योंकि जब आप ये फ़ोटो अपने लैपटॉप पे लगाएंगे, फ़ोन में लगाएंगे, डेस्कटॉप में लगाएंगे, इससे आपको अगर आप डेली भी देखेंगे तो आपको नेचुरल ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। और इसका ये मतलब है कार्ड का कि अगर आपकी फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट है, चैलेंजेस हैं, आपके मन में कोई वरी है, उससे रिलेटेड कोई चिंता है, उसको बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गॉडेस लक्ष्मी आपके अराउंड ही हैं कि जब आपको जो ज़रूरत पड़े उस समय आपकी वो नीड आप देखेंगे वो बिल्कुल पूरी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट ज़रूर होगा आपके फाइनेंस का। और इसीलिए इस कार्ड का मीनिंग है डोंट वरी, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट। तो आप इसकी फ़ोटो ले सकते हैं। और आपका जो थर्ड गॉडेस का कार्ड है वो ये है अनकंडीशनल लव। इस साल आप कोशिश करें कि बिना किसी शर्त के, बिना किसी जजमेंट के और बिना किसी एजम्पशन के आप अपने आप से प्यार कर सकें, सेल्फ केयर कर सकें और दूसरों से भी बिना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन करें आप उनसे प्यार कर सकें। ये बहुत ही नेचुरल और स्वाभाविक है, हम सारे ही ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम किसी के लिए थोड़ा भी करते हैं तो हमारे मन में एक्सपेक्टेशंस आ जाती हैं। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा ज़रूर जब आप अनकंडीशनल लव करें कि अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं तो पहले ही मान के चलें कि मुझे इससे कुछ चाहिए नहीं, जो आप कर रहे हैं वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं, अपनी कंटेंटमेंट के लिए कर रहे हैं। और जब आप ये मान लेंगे फिर आपको सामने से रेसिप्रोकेशन हो या ना हो फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम किसी से एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं तो हम ही उसे डिफरेंट कैटेगरी में रखते हैं कि हमने इसके साथ ऐसे किया अब ये डिफरेंट है। कई बार बहुत बार ऐसा होता है हम किसी के साथ कुछ बहुत कुछ करके भूल भी जाते हैं क्योंकि हमें उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। अब किसी से एक्सपेक्टेशंस हैं और किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं है तो ये तो हमें खुद तय करना है कि हमें एक्सपेक्टेशंस रखनी है या नहीं रखनी है। आप ये देखेंगे कि जीवन में जब आप कुछ भी करते हैं और बहुत न्यूट्रल तरीके से करते हैं तो आपको अननेचुरल हेल्प गॉड की तरफ से, डिवाइन की तरफ से वैसे भी मिल जाती है और उसमें जो बरकत होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप पहले ही अपने इंटेंशंस को सेट रखें,
कि आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है या नहीं रखनी है। इंसान से जब आप किसी की हेल्प कर रहे हैं तो आप एक्सपेक्टेशंस रखें तो गॉड से रखें, और बिल्कुल एक निर्लेप वे जो होता है जिसे कहते हैं न्यूट्रल वे ऑफ डूइंग थिंग्स, उस पर थोड़ा फोकस करें तो बहुत अच्छा रहेगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि गॉडेस लक्ष्मी का आप पर इस साल स्पेशल स्पेशल ब्लेसिंग्स है, तो वही कार्ड आपके दूसरे ओरेकल मैसेज में भी आए हैं जिसका नेम है गेट टू ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मतलब विनिंग। आप कुछ भी करेंगे चाहे उसमें देर क्यों ना हो, इस साल चैलेंजेस क्यों ना आए, आपको जितने लोग हैं आपके कनेक्शंस आसपास के जितने लोग हैं आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आपका केयरिंग कनेक्शंस का कार्ड है, आपका हेल्पफुल पीपल का कार्ड है, तो आपको हेल्प तो ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर किसी भी काम में आपका डिले हो रहा है तो इस कार्ड का मतलब है सक्सेस एक्सपेंड्स, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, विक्ट्री ज़रूर मिलेगी, चाहे वो देर से ही क्यों ना मिले पर मिलेगी ज़रूर। और दूसरा कार्ड ये बताता है वैलियंट करेज, आप करेज रखें, बोल रहे और अपने हिसाब से आप एक्शन ज़रूर लें। और आपका इस साल एक ट्रैवल का कार्ड भी ज़रूर है, इनफैक्ट आपके दो कार्ड हैं जो ये बताते हैं कि इस साल आप जर्नी ज़रूर करेंगे। और जहाँ तक मेरी रीडिंग थी, ये जो जर्नी है ये आपकी पर्सनल जर्नी नहीं रहेगी, ये प्रोफेशनल जर्नी रहेगी। काम से रिलेटेड या तो आप दूसरी कंपनी में शिफ्ट करेंगे उसे भी ट्रैवल कहते हैं, दूसरे किसी जॉब के लिए करेंगे उसे भी ट्रैवल कहते हैं, दूसरे किसी प्रोफाइल के लिए चेंज करेंगे, जॉब चेंज करेंगे, अपने होम टाउन से बाहर जाएंगे या जहां आप जॉब करते थे जिस लोकेशन पे उससे बाहर जाएंगे, कंट्री से बाहर जाएंगे, आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही हो, आपका चेंज ज़रूर आएगा। और फिजिकल ट्रैवल भी हो सकता है, क्योंकि बहुत अभी तक तो हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे कोरोना के कारण, लेकिन अब बहुत सारे बिजनेसेस और ऑफिसेस खुलने लगे हैं तो थोड़ा आपकी बाहर मूवमेंट बढ़ सकती है, उसे भी ट्रैवल कहते हैं। तो आप ये देखेंगे कि इस साल आप ट्रैवल ज़रूर करेंगे और इसका मीनिंग है एन अपकमिंग ट्रिप प्रूव्स टू बी लाइफ चेंजिंग इन पॉजिटिव वेज। इस साल आप जो ट्रैवल करेंगे वो आपको प्रोफेशनली काफ़ी ग्रोथ देगा। और इससे रिलेटेड जो दूसरा कार्ड था वो भी जर्नी से रिलेटेड ही है, जर्नी बाय मूनलाइट, बिलीव इन द मैजिक। तो इस जर्नी से जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो देखने लायक होगा, क्योंकि आपने खुद अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि उससे आपको कितना एक्सपीरियंस, कितना एक्सपोजर, कितना नए कनेक्शन और क्या ग्रोथ मिले। तो ये आपने देखना है कि आप मैक्सिमम अपने आप को अलाउ करें कि आप इस चेंज को एक्सेप्ट करें और उस चेंज में ढलें। जब आप चेंज में ढल के उसके साथ काम करेंगे तो नेचर से आपको जो बेनिफिट और प्रोग्रेस मिलेगी वो बहुत ही अच्छी मिलेगी। और इसके दूसरे कार्ड्स हैं कि कोई भी आप नया काम करें, चाहे घर ले रहे हैं, कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई जॉब चेंज कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप ये देखेंगे कि आपने रिसर्च पूरी करनी है। ये नहीं कि किसी ने बताया और वो प्रॉपर्टी कर ली, किसी ने बताया तो यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लिया, आपने अपनी रिसर्च खुद करनी है, ताकि आप ये ना कह सके कि मुझे इसने बताया तो मैंने पैसे इन्वेस्ट कर लिए, मुझे उसने बताया तो मैंने जॉब चेंज कर ली, मुझे इसने बताया तो मैंने बिजनेस पार्टनरशिप कर ली। नहीं, आप इन्फॉर्मेशन ज़रूर लें लेकिन कम से कम 3 से 6 महीने इन्वेस्टमेंट से खासकर पहले, और कोई भी जॉब या बिजनेस चेंज करने से पहले 2 से 3 महीने अपनी रिसर्च खुद करें, ताकि आप जीवन में जो भी स्टेप ले रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो और आप एक्सक्यूज ना ले सके तो इसके और उसके बताने से मैंने ये किया, क्योंकि किया तो आपने, तो करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। और अगर आप किसी की बात मान रहे हैं वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि बात तो मानी आपने, आपके वेल विशर्स तो आपको सलाह देंगे ही देंगे, अब मानना ना मानना आपके हाथ में है। आप उसे रिसर्च करें, खुद जाकर पता करें, टाइम लगाएं, जल्दबाजी ना करें। अगर 3 लोगों से पता किया है 3 लोगों से और पता करें, लेकिन प्रॉपर रिसर्च करके ही आप आगे कोई भी स्टेप लीजिएगा। इसका मैसेज है यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिचुएशन, लुक इन टू इट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर। अब ये जिम्मेवारी आपकी है कि आप आगे बढ़ने से पहले कितनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। विंटर सीजन, आप वर्ल्ड में कहीं भी रह रहे हों, जैसा कि मेरे चैनल से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो कि हिंदुस्तान से बाहर हैं, बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हैं चैनल से, तो जहाँ भी आपके यहाँ विंटर्स हैं, ज़रूरी नहीं है हिंदुस्तान में, इंडिया में विंटर है तो आपके वहाँ भी होगा, आपके जहाँ आप रहते हैं वहाँ के विंटर सीजन, चाहे वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी हो, चाहे वो आखिरी के कुछ महीने हो, वहाँ जब आप रह रहे होंगे ठंड के महीने में आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी। वो मंथ्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे इस साल। इसका जो मैसेज है वो ये है, द आंसर्स टू योर प्रेयर्स एंड अफर्मेशंस आर फुली रियलाइज्ड
इन द विंटर मंथ्स. तो कोई चीज जिसके लिए आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, आप ये देखेंगे कि वो कंप्लीशन उस टाइम उस तरफ उन ठंड के महीनों में हो रहा है. ट्रांसफॉर्मेशन आपका इस साल जरूर होगा. जब भी किसी रीडिंग में बटरफ्लाई आती है तो वो ये बताती है कि धन दौलत एक तरफ, लेकिन आपकी इंटरनल वे ऑफ थिंकिंग, दुनिया को देखने का तरीका, लोगों को देखने का तरीका, सिचुएशंस को देखने के तरीके, हर चीज में आपके नजरिए में बदलाव आएगा. और ये बदलाव आपके लिए जीवन में बहुत जरूरी है, नीड ऑफ द आवर है. इसीलिए ये बदलाव का सही समय अब है. और इस साल आप जो भी डिसीजन लेंगे उसके लिए बहुत करेज और बोल्ड और बहुत ही फियरलेस तरीके से आपको लेना होगा. और एक जिराफ स्पिरिट का मैसेज है जो ये बताता है कि आपने इस साल किसी भी चीज को एक बिग पिक्चर से देखना है, छोटा नहीं देखना है, छोटे तरीके से नहीं देखना है, छोटी सोच रख के नहीं देखना है. जब आप कोई चीज सोच रहे हैं तो उसमें ये देखें कि इसका लॉन्ग टर्म असर आपके पर्सनल लाइफ पे, आपके प्रोफेशनल लाइफ पे, आपके घर वालों पे कहाँ तक जा रहा है, आपके आसपास जो लोग हैं वहां तक कहाँ तक जा रहा है. तो आपने एक बिगर पिक्चर देखना है, छोटी पिक्चर नहीं देखनी है. तो चलिए अब हम आपके टैरो रीडिंग्स के कार्ड देख लेते हैं. और एंड में, रीडिंग के एंड में, मैं ये भी आपको बताऊंगी कि इस साल के आपके लकी नंबर्स कौन से हैं. तो टैरो के हिसाब से इस साल आपको थोड़ा सा अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान देना है. पेज ऑफ सॉर्ड्स और फाइव ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स के कार्ड्स हमें ये बताते हैं कि कम्युनिकेशन तो होगा, बात तो बढ़ेगी, प्रोग्रेस तो होगी, लेकिन आपने किस तरीके से बात करनी है, किससे बात करनी है, कब बात करनी है, सही समय, सही वक्त और सही इंसान और सही शब्दों का चयन, ये बहुत जरूरी है. आपने इन बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है. और इस साल आप ये देखेंगे कि अगर आपकी कोई चीज स्टैग्नेंट है, आपने बिजनेस डील करी, आगे बात नहीं बनी, कोई मैसेज नहीं आया, जॉब दिया इंटरव्यू, कोई आंसर नहीं आया, आप मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्रपोजल्स भेज रहे हैं, कोई आंसर नहीं आया, आप लव रिलेशनशिप में हैं, अपने पार्टनर से बात कर रहे हैं, कोई आंसर नहीं आया, आप ये देखेंगे उनमें मूवमेंट्स जरूर होगी. क्योंकि सॉर्ट जब आती हैं तो कम्युनिकेशन में मूवमेंट जरूर होता है, लेकिन कम्युनिकेशन जो करनी है वो ध्यान से करनी है, बहुत सोच समझ के करनी है. और आपने ये भी देखना है कि आप प्रिकॉशनस तरीके से पूरे नाप तोल कर थोड़ा अगर बात करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा. और इसके जब हमने क्लैरिफाइंग कार्ड्स निकाले थे डिटेल में कि हमें और पता लगे कि ये कम्युनिकेशन में होगा क्या, तो उसमें भी यही आया कि आप ये पाएंगे कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे इस साल आपको खास मदद मिलेगी ही मिलेगी. तो इस साल आपके लिए बहुत ही लकी पीरियड है जब आप ये देखेंगे कि आपको लोगों से मदद इस साल ज़्यादा मिल रही है. और एक ये कार्ड मैंने एंड में ये कार्ड इसलिए पढ़े हैं क्योंकि ये कार्ड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एट ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ एक्सपेंशन, इज अ कार्ड ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज. आप ये देखेंगे कि आप इस साल पढ़ाई भी करेंगे, आगे पढ़ेंगे, डिग्री लीजिए, डिप्लोमा लीजिए, सर्टिफिकेट लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन आगे आप ज़रूर एक्सपेंड करेंगे. इस कार्ड का ये भी मतलब है कि अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आप नए प्रोडक्ट भी ला सकते हैं, नए सर्विस भी ला सकते हैं. अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब आपको रोल डिफरेंट भी मिल सकता है, बड़ा भी मिल सकता है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा भी मिल सकती है. और अगर आप ये दोनों चीज़ों में हैं पर आप पढ़ाई तो किसी न किसी हिसाब से करेंगे ही करेंगे और एक्सपेंशन आपकी होगी ही होगी. तो एट ऑफ पेंटेकल्स फाइनेंस का कार्ड है, बहुत ही बढ़िया कार्ड है. और ये कार्ड ये बताता है कि पढ़ाई में भी आपकी एडिशन होगी, जॉब कर रहे हैं उसमें भी बरकत होगी, फाइनेंसेस में भी आपको फ्लरिशमेंट मिलेगी और बिजनेस में भी आप एक्सपेंड करेंगे. तो ओवरऑल एक्सपेंशन मनी में भी होगी, करियर में भी होगी और जो आप कर रहे हैं उसमें भी आपको बढ़ोतरी मिलेगी ही मिलेगी. और ये जो कार्ड है ये आपके डिवाइन कार्ड है, डिवाइन डोर मैसेजेस. इसका ये मतलब है कि यूनिवर्स से आपके क्या मैसेज हैं. अब ये मैसेज हमें ये बताता है कि आपने कोशिश करके बहुत हद तक अपने इंट्यूशन को ज़रूर सुनना है. और आप ये देखेंगे कि जब आप अपने मन की बात सुनेंगे तो बहुत हद तक आपके वो आंसर सही होंगे. इस साल आपको अचानक कुछ ना कुछ मिलने की बहुत संभावना है, अचानक अच्छी जॉब, अचानक अच्छा घर, अचानक कोई बिजनेस डील का क्रैक हो जाना, अचानक कोई पूर्वजों की आपको प्रॉपर्टी मिलना, कुछ ना कुछ आपको डिवाइन ऑफरिंग जरूर मिलेगी जो कि एक्सपेक्टेड भी है
और जो कि नॉन एक्सपेक्टेड भी है, तो वो आप देखें कि आपका एक्सपेक्टेड और नॉन एक्सपेक्टेड क्या है। और आपका आखिरी कार्ड जो रीडिंग का आया था वो आया था फॉरगिव एंड फॉरगेट, और इस कार्ड में क्लियरली लिखा है दैट यू हैव टू कट द ओल्ड कॉर्ड्स। अब वो रिश्ता, वो जॉब, वो घर, वो बिजनेस, वो डील, वो पार्टनर, वो क्लाइंट, जिससे आपको लग रहा हो कि नहीं मेरी एनर्जी कम हो रही है, नहीं ये वर्थ नहीं है मेरे टाइम और पैसे के, नहीं ये मेरा फ्रेंडशिप के लिए वर्थ नहीं है, ये मेरी दोस्ती के वर्थ नहीं है, यहाँ मेरा काम करना अब वर्थ नहीं है, यहाँ मुझे बिजनेस करना अब वर्थ नहीं है, जहाँ आपके मन की आवाज़ बार बार आपको ये चीज़ कह रही है, तो आपको ये एक सिग्नल है गॉड की तरफ से कि अब आपका वहाँ पर कार्मिक साइकिल ओवर है, अब वो टाइम है कि आप उसकी कॉर्ड्स को कट करें और आगे बढ़ें। ये मैसेज आपके लिए इस साल बहुत ज़रूरी है। ये आपको देखना है कि आप कहाँ, किस कोने में आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ मुझे अब सूट नहीं कर रही है, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो कोई बिजनेस हो। अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप जॉब छोड़ के चलते बने और दूसरी हाथ में कोई जॉब ना हो, या बिजनेस छोड़ दिया और बीच में इतनी डील्स चल रही हैं, बीच में कुछ नहीं छोड़ना है। ये एक मैसेज है। अब मैरिजेस में भी कितनी प्रॉब्लम आती है, तो इसके कहने का मतलब ये थोड़ी है कि मैरिज आप छोड़ के कहीं और चलेंगे, नहीं नहीं, आपने रुकना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर वो ना हो और फिर आपको लग रहा हो कि नहीं अब मैंने बहुत कोशिश कर ली, अब ये मेरे टाइम और एनर्जी के वर्थ नहीं है, तब आप ये डिसीजन लीजिए, अन्यथा आप चलते रहिए। तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जो किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को जन्मे हैं, जनवरी से लेके दिसंबर तक। और ये जनरल रीडिंग है, तो आप प्लीज उसी हिसाब से अपने चीजों को पिकअप करिए कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अब आप नोट करें कि आपके इस पर्टिकुलर ईयर के, आपके इस पर्टिकुलर ईयर के लकी नंबर्स क्या हैं। तो आप अपने पेन और पेपर के साथ रेडी हो जाएं ताकि मैं आपको अपने इस पर्टिकुलर ईयर के आपको लकी नंबर बता सकूं। और लकी नंबर का मतलब ये है कि आप कोई भी डिसीजन बड़ा लें, अगर आप इन डेट्स को लेंगे तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि डिसीजन आपके फेवर में आए और आपको बेनिफिट हो। तो आपके नंबर्स ये रहे। आपका नंबर है नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 3 एंड नंबर 8। और आप 2 एंजल मैसेज आप गूगल पर टाइप कर सकते हैं, एंजल मैसेज नंबर 11 एंड एंजल मैसेज नंबर 77। इन दोनों मैसेजेस को आप अच्छी तरह पढ़ लें। मैं नंबर फिर से रिपीट कर रही हूं, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 3। आप इन नंबर्स को देख लें, और नंबर 8, आप इन नंबर्स को देख लें, और मास्टर नंबर 11 और मास्टर नंबर 77 का मैसेज आप एंजल नंबर का जरूर गूगल पर देख लें। तो ये नंबर्स हैं आपके लकी नंबर्स, और इन नंबर्स को आप कोई भी अच्छा डिसीजन लेते समय आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हैं। तो ये थी आपकी जनरल रीडिंग उन लोगों के लिए जो इन डेट्स को बॉर्न हुए हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस फॉर दिस न्यू ईयर, एंड आई एम श्योर दिस न्यू ईयर इज गोइंग टू ब्रिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड प्रॉस्पेरिटी टू ऑल ऑफ यू। और बाकी नंबर्स के लिए मैं बहुत जल्दी इंग्लिश और हिंदी में डेली वीडियोस डाल रही हूँ, और मेरी आशा है कि शायद अगले हफ्ते तक हम सारे ही नंबर्स कवर कर लें। ऑल द बेस्ट, बी ब्लेस्ड।